कैसे आप सब। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स के बारे में। ठीक है, इसी प्रीवियस वीडियो में हमने सेडेटिव्स और हाइपनोटिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, देखो जो हमारी फोर्थ यूनिट है ना, इसके अंदर हमारे पास 3 चैप्टर है। ठीक है, अगर आप अपने सिलेबस को देखो तो वहाँ पे 3 चैप्टर दिए हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सेडेटिव्स और हाइपनोटिक्स, सेकंड चैप्टर जो हमारा है एंटी साइकोटिक्स जो आज हम करेंगे। ठीक है, और जो हमारा थर्ड वाला है वो है एंटी कन्वर्जेंस। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एंटी साइकोटिक्स ड्रग क्या होती है। देखो एंटी साइकोटिक्स मीन्स आपने देखो साइकोटिक्स मीन्स क्या होते हैं, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, जो मतलब मेंटली किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे मान लो कोई किसी का बिहेवियर थोड़ा सा मतलब चेंज सा है, और मीन्स अगर आप उसके हालात देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर्स उसको है। ठीक है, अब मेंटल डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन होता है जो होता है सिज़ोफ्रेनिया होता है, बहुत ही कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, आपको पूरा वो पर्सन पागल सा लगेगा। ठीक है, और मान लो जैसे अगर वो नाच रहे तो नाचते ही रहेगा। ठीक है, बात करे तो बात ही करता रहेगा, और मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मीन्स आप बोलो, आप उसको बोल सकते हो कि वो मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है उसको। ठीक है, तो सिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर होता है वो। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि मेंटल डिसऑर्डर हमारी डिसीजेस होती हैं, डिसऑर्डर्स होती हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटी साइकोटिक्स हम ड्रग्स देते हैं। ठीक है, देखो एंटी मीन्स अपोजिट, उसके अपोजिट काम साइकोटिक्स मेंटल डिसऑर्डर्स। तो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए हम जो ड्रग्स लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स। तो हमारी सबसे जो बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो है हमारे पास सिज़ोफ्रेनिया, मेनिया और सेंट्रल डिमेंशिया और बिहेवियर डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बायपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल के डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी। ठीक है, तो किसी को डेल्यूजन्स हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स काफ़ी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए हमें एंटी साइकोटिक्स ड्रग देनी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये काम कैसे करता है, जो डोपामिन होता है ना, अब देखो डोपामिन जब लेवल बढ़ जाता है, आप डोपामिन क्या करते हैं, एक तरह से प्लेजर हार्मोन है। ठीक है, जब डोपामिन रिलीज होता है, जब मान लो कोई आपको आपके आपके साथ कभी भी कोई अच्छा मोमेंट हो तो आप बहुत खुश होते हो। ठीक है, जब खुश होते हो ना तो डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको प्लेजर देता है, जब डोपामिन रिलीज होगा तो प्लेजर मिलेगा आपको। लेकिन मान लो अगर वो डोपामिन एक हद के लेवल को क्रॉस कर ले, ठीक है, मान लो डोपामिन जो है आपकी बॉडी में नॉर्मल रिलीज होना था, ठीक है, अब वो मतलब ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी में रिलीज होने लग गया वो डोपामिन। अब डोपामिन क्या करता है, एक्साइटमेंट हार्मोन, एक तरह से एक्साइटमेंट हार्मोन है वो, मतलब हार्मोन नहीं न्यूरो ट्रांसमीटर है, हार्मोन भी हार्मोन का कंसेप्ट अलग होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर जब ये क्या कहते हैं डोपामिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, अगर वो ज़्यादा रिलीज होगा ना आपकी बॉडी में तो एक्साइटमेंट आएगी आपको। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो साइकोटिक्स हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं या मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्रीज हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या होगा इसका, कि डोपामिन के लेवल को डिक्रीज करना। अब देखो जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे की पूरी बीमारी को आपके जो डिसऑर्डर्स है उसको पूरा ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपको क्या करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो आपका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो एक दिन में ख़त्म, मतलब एक महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बस एक तरह मेंटेन करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इससे, जैसे जो डोपामिन है उसको हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब देखेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो हमारे एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स होती है उसको हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स ही बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक मीन्स न्यूरोन्स रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो इसकी क्लासिफिकेशन है जो कि हमें सिलेबस में प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो हमें इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन ड्रग्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इनको हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारा। ठीक है, कैसे ये जो ड्रग्स हैं एक तरह से आपकी जो आपके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर कैसे काम करती है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या होता है, आपको पता है एक प्री सिनेप्टिक होता है और एक पोस्ट सिनेप्टिक होता है। ठीक है, तो जो प्री और पोस्ट होता है, जैसे ये आपके पास है सपोज प्री है और ये पोस्ट है। ठीक है, तो जो हमारा प्री है, प्री वाला है, तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे आपके पास जो ये वेसिकल्स है इसके अंदर क्या पता है, डोपामीन है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास डोपामीन। अभी मान लो आपके पास एक नॉर्मल स्टेट है, अभी जैसे कोई आपके पास एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, कोई नॉर्मल पर्सन है और इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, अब इस पर्सन का जो डोपामिन का लेवल है वो कैसे चलेगा। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या होता है, आपको जैसे यहाँ पे जो हमारे पोस्ट है उसके ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं, आप डोपामिन के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, D1, D2, D3, D4, D5, तो ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जब डोपामिन रिलीज होगा, ठीक है,
तो इन चैप्टर्स के ऊपर, तो ये चैप्टर मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है। तो जब ये डोपामिन रिलीज होगा, लेकिन अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, नॉर्मल पर्सन के बारे में, ठीक है। अभी एक नॉर्मल पर्सन है, अब जब डोपामिन रिलीज होगा, मान लो इस पर्सन को, इसके पर्सन के जो क्या कहते हैं मार्क्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, तो अभी बहुत खुश है, ठीक है। तो एक तरह से प्लेजर इफेक्ट होगा, प्लेजर कौन देगा, डोपामिन एक होता है, और भी काफ़ी सारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। अब जो डोपामिन है रिलीज होगा, अब डोपामिन जब रिलीज होगा तो यहाँ पे इसको प्लेजर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो इसको प्लेजर इफेक्ट आएगा। अब मान लो कि किसी इंसान के अंदर जो डोपामिन है, ठीक है, ये डोपामिन है, मान लो यही जो आपका बंदा है, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। अब इसके अंदर जो डोपामिन है वो उसका लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जो डोपामिन है उसका लेवल अब इंक्रीज हो गया, अब क्या होगा इस वाले केस में, यहाँ पे डोपामिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल स्टेज से लीज होने ज़्यादा लीज होने लग गया। तो इस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे रिसेप्टर है, इन रिसेप्टर के ऊपर ज़्यादा डोपामिन जाकर अटैच होगा। अब जब यहाँ पे डोपामिन अटैच होगा इस रिसेप्टर के साथ, तो एक्साइटमेंट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको प्लेज इफेक्ट ज़्यादा आएगा, तो इससे क्या होगा, उसको मेंटल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो इसकी जो मेन वजह थी वो क्या थी, डोपामिन ज़्यादा लीज हो रहा था। जब डोपामिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे रिसेप्टर के ऊपर जाके भी ज़्यादा लगेगा वो, ठीक है, बार बार अटैच होगा, ठीक है, बार बार बाइंड करेगा जाके। तो इससे हम क्या करते हैं, अब मान लो आपके पास ऐसे कोई ड्रग्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डोपामिन की जो लेवल है वो तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने कोई ऐसी ड्रग दे दी जो कि इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे, D1, D2, D3 कोई भी रिसेप्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो इन जो रिसेप्टर हैं, जैसे मैं इनको नाम दे दूँ D1, D2, D3, ये सपोज यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई ड्रग आपने दी जो कि इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे। अब जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, ये मान लो अभी सारे रिसेप्टर जो हमने ड्रग दी थी वो ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है, अभी पूरी तरह से ब्लॉक हो गए। अब यहाँ पर बाहर जितना मर्जी डोपामिन आप ले आओ, यहाँ पर कोई भी इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉक हो चुके हैं तो ये जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन वो अपना फंक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो डोपामिन है, डोपामिन भी ज़्यादा लीज हो रहा है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जितना मर्जी डोपामिन लीज हो, ठीक है। अब ये एक बार ब्लॉक हो गए तो इससे क्या होगा, एक तरह से पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं थोड़े से आप बोल सकते हो उसके सिम्टम्स हैं वो थोड़े कम आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती है, डोपामिन को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हमारे पास सबसे पहले क्लासिफिकेशन है फिनोथायाजिन। तो फिनोथायाजिन का सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पहले आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिसिन, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ फिनोथायाजिन। देखो, जो हमारा फिनोथायाजिन है, फिनोथायाजिन जो होता है एक तरह से इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर 10 और 5 पे क्या लगा हुआ है, 5 पे क्या लगा हुआ है सल्फर, और 10 पे क्या लगा हुआ है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोला है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, ये कहते हैं हेटेरो एटम्स होते हैं। अब हेटेरो एटम्स क्या बनेगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये तो आपको ऑर्गेनिक में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास इसके यूजेस हैं, ये है फर्स्ट हमारे जो हमने पहले पढ़ा था, सिज़ोफ्रेनिया, बायपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है, कंट्रोल नोजिया एंड वॉमिटिंग। देखो, ये एंटीमेटिक ड्रग्स भी है। एंटीमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है, ठीक है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स एंड डेल्यूजन्स जो होते हैं, ठीक है, डेल्यूजन मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करती है। देखो, आप पूरी तरह ट्रीट नहीं करेगी इसको, मतलब आप बोल सकते हो मेंटेन कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, कॉम्पिटिटिव एंटोगनिस्ट है, और एंटोगनिस्ट पे डोपामिन की कौन से, देखो डोपामिन के मैंने 5 रिसेप्टर बताए थे आपको, D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। तो यहाँ पे D1 और D2 रिसेप्टर्स पे इसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो D1, D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, आपको ये लर्न करना है। और एक बार इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आप देखो, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है ना, आप नाइट्रोजन पे आपको 10 नंबर आएगा, 10 इस पे आएगा, और इसका हाफ 5 यहाँ पे आएगा। तो इसके कोडे आप यहाँ पे नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये को 5 जो नंबर दोगे ना, तो आप यहाँ पे दोगे इसको, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग नहीं करनी होती, ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग नहीं करनी होती, ठीक है।
देखो फर्स्ट हमारे पास है एट सेकंड पोजीशन जो हमारा फिनोथायाजीन है, अगर हम उस पर इलेक्ट्रोमिड्रोइंग सब्सटीट्यूशन करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है एंटी साइकोटिक एक्टिविटी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटीट्यूशन ऑन द फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे, अगर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं न्यूक्लियस रिडक्शन करते हैं तो वो उसकी भी उस वजह से क्या होता है एंटी साइकोटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फिनोथायाजीन्स मस्ट हैव अ नाइट्रोजन कंटेनिंग साइड चेन, मतलब उसके पास जो नाइट्रोजन कंटेनिंग साइड चेन अगर होंगी तो सब्सटीट्यूट ऑन द रिंग नाइट्रोजन फॉर देयर एंटी साइकोटिक एक्टिविटी। रिंग्स एंड साइड चेन नाइट्रोजन मस्ट बी सेपरेट बाय द थ्री कार्बन चेन्स। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, रिंग और साइड जो चेन है, साइड चेन होती है नाइट्रोजन के अंदर, वो सेपरेट होनी चाहिए तीन कार्बन चेन से, ठीक है। तीन कार्बन की जो चेन होती है उससे सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। और देखो जो उसकी साइड चेन आप लगाओगे तो वो एलिफेटिक होनी चाहिए, अगर वो एलिफेटिक होगी तो भी चलेगा, ठीक है। पेपराजीन भी हो सकता है, ठीक है, पेपरडीन डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। पेपराजीन साइड चेन कन्फर्म द ग्रेटेस्ट पोटेंसी एंड द हाइएस्ट फार्माकोलॉजिकल सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो साइड चेन अगर जब आप लगाओगे तो उससे क्या होगा, ये आपकी पोटेंसी जो होती है, पोटेंसी को ज़्यादा, आप पोटेंसी क्या होती है, यानी मान लो अगर आप कम ड्रग दे रहे हो, ठीक है, कम ड्रग दे रहे हो, लेकिन उसकी जो पोटेंसी है, यानी उसकी जो, देखो ऐसा समझ नहीं आएगा, देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास दो ड्रग है, ठीक है। आपने क्या किया, मान लो आपने इतनी सारी ड्रग, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास 300 mg है, 300 mg से जो इफेक्ट आ रहा है वो आपका 100 mg से आ रहा है, ठीक है। तो जितना इफेक्ट 300 mg से आ रहा है उसके इक्वल इफेक्ट 300 mg से आ रहा है, तो कौन सी पोटेंसी, इसकी पोटेंसी ज़्यादा हुई तो 300 mg की पोटेंसी ज़्यादा है, ठीक है। कौन सी ड्रग ज़्यादा पोटेंट है, ये वाली, ठीक है, 100 वाली। तो यानी इस तरह से पोटेंसी को इंक्रीज कर देता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ फिनोथायाजीन की, ठीक है। एंड इसकी जो नोट्स हैं वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।